परिवहन विभाग ने 19 मई को होने वाले मतदान के लिए ही 800 बसें अधिग्रहित कर ली। देर रात इन बसों को प्रशासन को सौंप दिया गया। अब बसें मतदान सामग्री जमा करवाने के बाद ही वापस होंगी। एआरटीओ अर्चना मिश्रा ने बताया कि इंदौर जिले में मतदान के लिए हमसे 800 बसों की मांग की गई थी। चूंकि अभी स्कूलों के अवकाश चल रहे हैं, इसलिए हमने यात्री बसों के बजाय स्कूली बसों को अधिग्रहित किया है। इससे यात्रियों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। हमने पहले ही अधिग्रहण लेटर जारी कर दिए थे। 800 बसें अधिग्रहित कर ली गई है। देर रात को इन्हें प्रशासन को सौंप दिया गया। प्रशासन ये बसें मतदान दलों को सौंप देगा। मतदान संपन्न होने के बाद चुनाव सामग्री वापस नेहरू स्टेडियम में जमा कर ये बसें वापस चली जाएंगी। एआरटीओ ने बताया कि बसों का भुगतान 2500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से किया जाएगा, जबकि डीजल खर्च भी प्रशासन द्वारा ही उठाया जाएगा।